दिस वॉर्म बेवरेज जिसे संजीवनी कहते हैं. अच्छा लगा. फीलिंग पावर पैक्ड. कितना प्यारा कलश है ना. तुम लोग अभी जिंदा हो? ये मैंने यहाँ एयरपोर्ट से कुछ लिया है. गुड मॉर्निंग. गोइंग फॉर द मॉर्निंग योगा सेशन. सो मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद वी आर हैविंग दिस वॉर्म बेवरेज जिसे संजीवनी कहते हैं और ये मल्टीग्रेन पॉरेज है. लेट्स टेस्ट दिस. दिखाना कलर. नाइस. योगा एंड मेडिटेशन के बाद हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं. उसके बाद जो हमने क्या पिया, संजीवनी ड्रिंक, संजीवनी बूटी पी ली है, स्ट्रेंथ आ गई है. अब कुछ गेम्स खेलने के लिए हम लोग जा रहे हैं. सो लेट मी शो यू अराउंड. 4, 5, 6, 7, 8. What a great morning it was. Feeling power packed. बहुत मजा आया और physically भी एकदम body खुल गई, active हो गई. सुबह सुबह switch on. So now the plan is we are going to have breakfast और फिर breakfast करने के बाद हमें वापस आना है इस जगह पे to meet Sadhguru ji. तो मैंने अपने लिए लिया है इडली with चटनी and सांबर और हिमीश ने लिया है मैसूर डोसा. तो हम लोग निकल चुके हैं सदगुरु जी से मिलने के लिए और एक सेशन होने वाला है उनके साथ. कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में जो हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो इतनी दूर से हम उन सवालों को लेकर आए हैं. तो आज हमें चांस मिलेगा उनसे वो डिस्कस करने का. वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड. कुछ देर बाद इस हॉल में हम सदगुरु से मिले और हमने खूब सारी बातें की. उनके आने के बाद कैमरा का यूज़ अलाउड नहीं था, इसलिए वो फुटेज मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी. कुछ दिन बाद ऑफिशियल क्लिप्स जब हमें मिलेंगी तो उन्हें मैं ज़रूर शेयर करूँगी. हम लोग अभी सदगुरु जी से मिलके आ रहे हैं, उनको सुनकर आ रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक द वाइब वॉज सो अमेजिंग, सो ग्रेट. वी हैड आर क्वेश्चन जो हमने उनसे पूछे और हमें उनके आंसर्स भी मिले. कोर्स ही कैरीज ग्रेट इनसाइट्स. बहुत डेप्थ होती है उनकी बातों में. एवरीथिंग मेक्स सेंस. नो सुपरस्टिशियस बातें, नो रिलीजियसली बायस्ड बातें. एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज सो लॉजिकल, सो साइंटिफिक. एवरीथिंग मेक्स सो मच सेंस एंड दैट्स वन थिंग विच आई लव अबाउट हिम. इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग, ग्रेट इंटरेक्शन. बहुत मजा आया, इन्जॉय किया, अच्छा लगा. So after the wonderful, wonderful session, we are now heading for the wonderful, wonderful lunch. क्योंकि बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं. जुगम जुगम जुगम. We're going to the Isha Life now, कुछ shopping करने के लिए. Nice to meet you too. Thank you. All the best. ये तो प्यारा कलश है ना. आज हम वापस निकलने वाले हैं और जाने से पहले हम एक बार फिर आदि योगी के दर्शन करने के लिए आए हैं. घर जाने का टाइम आ गया है एंड विद दिस टाइम फॉर सम वर्कआउट. लेट्स डू इट. और यही मीश मेरे से जबरदस्ती बैग लेके नीचे ले जाते हुए. हम पिछले एक घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं और हमारी गाड़ी नहीं आ रही है एंड वी आर गेटिंग लेट फॉर आवर फ्लाइट. लेट्स सी. और सभी गाड़ियों की तरह ये गाड़ी भी हमारी नहीं थी. हिमीश का चेहरा उतरता हुआ, टेंशन बढ़ती हुई. ये नहीं है हमारी, नहीं, ये अंदर चलने वाला वेलकम पॉइंट वाला. वाओ, कैब आ गई है. हम एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं. होपफुली हम टाइम पे पहुंच जाएंगे. एनीवे, अब भूख लग रही है क्योंकि लंच किया हुआ. सो नाउ लेट मी टेल यू कि मैं साथ में कुछ कुछ चीज़ें लेके आई हूँ मंच करने के लिए. पंचमेवा, पंचमेवा का मिक्सचर है.
सो आई हैव दिस ऑप्शन नीज, ये तो आपको मैंने दिखाया ही था, प्लस भी है, सो आई हैव ऑल दीज ऑप्शंस. हेल्दी डाइट मेंटेन करना है तो मेक श्योर कि आपके पास सफिशिएंट ऑप्शंस हो. इस तरह की मंचिंग, अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं कैरी कर रही होती तो मे बी मैंने यहाँ पे कहीं रुक के कुछ टेक अवे से लिया होता. टेक अवेज की चीज़ें जनरली अनहेल्दी ही होती हैं, मतलब प्रेजर्वेटिव वाली चीज़ें होती हैं, और वो आपके सारे जितना भी आप एफर्ट डालते हो ना डाइट पे सबकी वाट लगा देती है. ये हमारे पास देसी एनर्जी बार्स है ना, ये कब काम आएंगी? सो लेट्स मेक यूज ऑफ दादी नानी के नुस्खे. यू हैव अबंडेंट ऑप्शंस. नेक्स्ट टाइम यू डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज कि मैं ट्रैवल कर रही थी तो इसलिए मेरा जंक मैंने खा लिया, अदरवाइज तो आई एम वेरी डेडिकेटेड. Reached just in time. तो टाइम पे हमारा सिक्योरिटी चेक और सब चीज़ें हो गई. ये मैंने यहाँ एयरपोर्ट से कुछ लिया है, मैं आपको फ्लाइट में बैठ के दिखाती हूँ कि इस थैले के अंदर क्या है. तो यहाँ आते वक्त हम विस्तारा में आए थे जिसमें प्री बुक्ड मील्स होते हैं एंड फ्रेश एंड हेल्दी ऑप्शंस होती हैं, बट अभी हम इंडिगो में जा रहे हैं जिसमें इन फ्लाइट ऑप्शंस में सारे पैकेज्ड मील्स हैं जिसमें थोड़े प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. तो हम इन्हें अवॉइड करना चाहते थे, इसलिए हमने निकलने से पहले एयरपोर्ट से ही टेक अवे ऑप्शंस ले ली. एंड दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. We have got ourselves dosas. And that's exactly what I want to tell you, कि अगर आप थोड़ा सा भी pre-plan कर लेते हो या थोड़ा सा भी mindful होते हो तो आप कहीं पर भी अपने लिए healthy options ढूंढ सकते हो, अपनी health का ख्याल रख सकते हो. Even if you're on diet, you can still stick to it if you pre-plan ahead of time, if you eat mindfully, and that's all you need. Back to home. अरे तुम लोग अभी जिंदा हो? मुझे तो लगा अब सब अकेले मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा. Zoe, देख फोन मिला रही हूँ ना मैं. Wait. I want to meet you too. अरे नलायको, दरवाजे की घंटी बजाओ घंटी, नहीं तो एक काम करो रमेश को कॉल ही कर लो. रमेश भाई दरवाजा खोल दो. तू अंदर हो, हम बाहर हैं. कहाँ रह गए रमेश दादा, मुझे ही बुला के लाना पड़ेगा. घड़ी मिलन की घड़ी. कैसे हो? क्या चल रमेश भाई? You decide, तुझे क्या करना है? ओए हेलो हेलो, आ गई मेरी याद. हाँ हाँ, तुम लोग तो मुझे भूल ही गए थे, पर मैं कभी नहीं भूलता. I know आप लोगों ने व्लॉग्स में ज़ोए को मिस किया, but not anymore. हम लोग वापस आ गए हैं. अब कल से वापस बैक टू आर लाइफ स्टाइल, बैक विद ज़ोए, बैक विद केडी एंड रमेश. एंड ऑन दिस वेरी नोट, हमारे डाइट का फर्स्ट वीक खत्म हो गया है जिसमें से पहले 3-4 दिन हमने घर पे प्रॉपर खाना पोर्शन कंट्रोल करके खाया और बाकी के 3 दिन हमने प्रॉपर सात्विक खाना खाया. तो कल रिजल्ट देखने की बारी. कल मैं सुबह उठ के अपना वापस से वेट मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट इन सारी चीज़ें एक चेक करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई, देखेंगे कि पिछले 3 दिनों में हमने जो भी किया उसका क्या रिजल्ट निकला. तो ये सब चीज़ें देखने के लिए जरूर आना. और अभी हम थोड़ा सा टाइम सुबह के साथ स्पेंड करते हैं. लेट्स विश हर ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, वीक 1 कंप्लीट फॉर एवरीवन. सब लोग एक साथ हैं इस चैलेंज में. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. इट्स फॉर ऑल ऑफ अस. यस, लेट्स चेक इट आउट.